सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। दे हैव मैनेज टू डिसप्लीज ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। इनफैक्ट सर, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं। सर, बजट 2024 में अगर आप मोट सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आई आई इफ यू वांट मी टू यील्ड मैं बैठ जाता हूं सर। आप बैठो, आई विल आप मेरा टाइम दो। माननीय सदस्य, आप बोलो ना। माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम है? कृपया बैठे, बैठो क्या, बैठ जाए, बैठो आप, प्लीज बैठे, आप बोलिए थोड़ा सा, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर, वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया।